हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है नॉलेज टीवी पर। और आज के इस ज़बरदस्त वीडियो में मैं आपको ड्राइंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे रफनेस एवरेज की, RA, RZ, RMS, ये सब क्या हैं और इनकी जो ग्रेड्स हैं, ये रफनेस एवरेज की N1, N2, N3 ये सब क्या हैं, ठीक है। इनकी जो लिमिट्स है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा आपने कुछ देखा होगा, ये रफनेस टेस्टर है, रफनेस को टेस्ट करता है। ये जो आप जॉब देख रहे हैं, ये आंखों से अगर आप देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी, लेकिन एक्चुअल में परफेक्ट सरफेस जिसमें कोई भी इररेगुलरिटीज़ न हो, बिल्कुल फिनिश हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। एक्चुअल में जब आप इसको रफनेस टेस्टर से टेस्ट करेंगे तो सरफेस है वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सरफेस कुछ इस तरह दिखेगी। यहाँ पे देखिए, जितनी ज़्यादा इररेगुलरिटीज़ इसमें होगी उतनी ज़्यादा इसका रफनेस एवरेज वैल्यू आएगी, ठीक है। RA के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। आपने बहुत सी ड्राइंग में इस तरह के सिंबल देखे होंगे, इनमें से कोई ना कोई सिंबल तो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा, ठीक है। और बहुत से लोगों को तो इनके बारे में ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन इस वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह का सिंबल कहीं पे दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब या तो उस सरफेस पर से आप मटेरियल रिमूव कर भी सकते हो, न भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मशीनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस तरह का आपको सिंबल दिखाई देता है तो मतलब उस पर से मटेरियल रिमूव करना है आपको, इस पर से मशीनिंग करनी है, ठीक है। और इस तरह का सिंबल अगर दिखाई दे तो मतलब वो नॉन मशीनिंग सरफेस है, वहाँ पे आपको मशीनिंग नहीं करनी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मटेरियल शैल नॉट बी रिमूव्ड, मटेरियल वहाँ से हटाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल होता है। तो हम बात करेंगे इस वाले सिंबल की, मशीनिंग करने के बाद में जो सरफेस बनती है वो एग्जैक्ट पूरी की पूरी प्लेन सरफेस बनती नहीं, फिनिश बनती नहीं, आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, वो कुछ इस तरह की उसकी प्रोफाइल बनती है जो कि हमारी नॉर्मल आँखों से नहीं दिखाई देती। तो उसको ना टेस्ट करने के लिए ये सब बने हुए हैं, RA, RQ, RT, RV, RM, RP, RPM, RZ, RMX, RC, RZ, RY, ये सब क्या है, मोस्टली आपको ड्राइंग में देखने को मिलेगा वो ये चीज़ मिलेगी, RA और RZ, ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी RA और RZ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं, इनके नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, RA क्या है, रफनेस एवरेज, जो रफनेस है उसका एवरेज, RA क्या है, रफनेस एवरेज, RQ है रूट मीन स्क्वायर रफनेस, ये इसके नाम से ही मतलब अंडर रूट होगा, उसका मेन भी होगा और स्क्वायर होगा, जो RA की वैल्यू है जैसे आएगी, जो पॉइंट्स हमारे होंगे उनको स्क्वायर करके और उनका मीन जो होगा उसका रूट निकलेगा, ठीक है, वो RQ होगा। RT होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोफाइल, मतलब जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द पीक एंड वैली, उन दोनों का अगर आप ऐड करोगे पीक और वैल्यू को, मैक्सिमम को, तो जो होगी वो होगी RT। पीक एंड वैली भी आपको पता चल जाएगा, अभी आगे वीडियो में मैं बता दूंगा, ये सब आपको देखने मात्र से ही पता चल जाएगा जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम प्रोफाइल वैली डेप्थ, मतलब गहराई की डेप्थ, ठीक है। मैक्सिमम प्रोफाइल पीक हाइट RP होता है, और RPM होता है एवरेज मैक्सिमम प्रोफाइल पीक हाइट, RZ होता है एवरेज मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोफाइल, ठीक है। RMAX होता है मैक्सिमम रफनेस डेप्थ, RC होता है मीन हाइट ऑफ प्रोफाइल इररेगुलरिटीज़, एंड RZ जो ISO है वो है रफनेस हाइट, और RY जो है वो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोफाइल, ठीक है। तो अभी इनमें मैं सबसे पहले बात करता हूँ RA की, RA क्या होता है, ठीक है। RA के समझने के लिए सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले बता दिया है कि जो प्रोफाइल होती है, जो कि जो मशीनिंग सरफेस होती है वो कुछ इस तरह की होती है, अगर आंखों से देखेंगे तो इस तरह आपको प्लेन दिखाई देगी, लेकिन अगर RA टेस्टर से आप जब उस प्रोफाइल की जो एनकोडिंग करेंगे सरफेस की, तो कुछ इस तरह के अलग अलग पॉइंट्स निकल के आएंगे, एक मेन लाइन होगी जिससे
अप एंड डाउन इस तरह से उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये होता है पीक, और ये जो मेन लाइन से नीचे का हिस्सा होता है ये होती है वैली, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग पॉइंट्स नोट करते हैं। ये मान लो ये पॉइंट है H1, H2, H3, ये जितने भी पॉइंट है एक सैम्पलिंग लेंथ में, एक सैम्पलिंग लेंथ में जितने जो पॉइंट्स होते हैं उनका जो एवरेज होगा वही रफनेस एवरेज होगा, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर होते हैं उसमें उन सभी का ऐड करके और उसमें वो जितनी क्वांटिटी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये एवरेज का फॉर्मूला है, ये हमारे पॉइंट्स हैं H1, H2, H3, ऐसे करके ये जितने भी हैं इन सब का ऐड बटे में जितने ये हैं एन, मान लो एन क्वांटिटी है एच एन तक, तो बाई एन इसको इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं, ठीक है। ये सैम्पलिंग लेंथ है, इसमें इसका एवरेज इस तरह से निकलेगा। और ये जो आरए है ये मोस्टली जो इंजीनियरिंग प्रोसेसेज हैं इनमें सबसे ज़्यादा आरए का ही यूज किया जाता है। जो आरए है, आरए की यूनिट है वो माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन इंच होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट से आपको पता चल रहा है, ठीक है। और अभी जो आप ड्राइंग में देखेंगे, आपको कई ड्राइंग में इस तरह की वैल्यू देखने को मिलेगी, एक सरफेस पे एरो इंडिकेट करके, और इस तरह से मिलेगा N1, N2 या फिर N6, N7, N12 है, इस तरह से, ठीक है। पहले क्या होता था, इनके जो सिंबल थे रफनेस के, ग्रेड नंबर कुछ इस तरह से कर रखे थे, ठीक है। ये सिंगल ट्राइंगल है मतलब N10 से N12 तक की, और डबल ट्राइंगल है मतलब N7 से N9, और ट्रिपल ट्राइंगल है मतलब N4 से N6 तक, और ये फोर ट्राइंगल है मतलब N1 से N3 तक की सरफेस फिनिश उनके अंदर होगी, ठीक है। अब N1 का मतलब क्या है, N1 का मतलब है कि 0.025 माइक्रोमीटर। जो आरए की वैल्यू है, रफनेस एवरेज है, वो इतनी आनी चाहिए सरफेस फिनिश पे। आरए टेस्टर से जब हम चेक करेंगे तो इस मैक्सिमम ये हो सकती है, इससे कम होनी चाहिए, तो वो जो आरए होगी वो होगी N1 की, ठीक है। सेम इसी तरह दे रखी है सारी, देखिए N4.2, N5.4, N6.8, ये डबल होता जा रहा है लगभग, ठीक है। इनको याद करने का सिंपल तरीका यही है, N1 को याद कर लो आप, 0.25 है इसका डबल, N2 इसका डबल, N3 इसका डबल, N4 डबल, N5 डबल है, N6 उसका डबल है, N7 उसका डबल है, 3.2। आगे जाके यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। ये 6.3, 12.5, फिर बाद में N11.25, N12.50, ठीक है। सेम वैसे ही अगर माइक्रोन इंच में बात करें तो इंचेज में जहाँ पे काम होता है वहाँ पे कुछ इस तरह से आरे होती है, जहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि ये एक की आरे है 8 की या फिर 32 की या फिर 63 की, कुछ इस तरह से आरे होती हैं। ये आरे होती है माइक्रोन इंच में। अगर 32 की आरे है मतलब वो जो आरे है N6.8 की, ठीक है। तो इस तरह से अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर ड्राइंग में 32 लिखा होगा, 0.8 लिखा होगा, N6 लिखा होगा या फिर इस तरह के सिंबल भी होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये आरे कितनी है, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं ये RT, RT के बारे में आपको आगे आगे पता चल जाएगा कि RT क्या है, ठीक है। यहाँ से आपको आरए की जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसका पता चल गया है। अब रफनेस टेस्टर से आरए किस तरह से टेस्ट होती है, आरए और RZ किस तरह से टेस्ट होती है, वो आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये एक मिडिटोयो का पोर्टेबल रफनेस टेस्टर है जिसमें आप RA, RZ, RP सारी वैल्यू यहाँ पे देख सकते और हैं। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से वो चल के एक सैम्पलिंग लेंथ में उसकी प्रोफाइल को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। और उसका जो एवरेज है वो निकाल करके हमें डिस्प्ले में शो कर देता गाइस यहाँ आप देख सकते हैं RA, RZ और RP की वैल्यू कुछ इस तरह से निकल के आएंगी। बात करें RZ की, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट दो तरह के पॉइंट्स आपको दिखा रखे हैं। H1, H2, H3 से हाईएस्ट पॉइंट और H6, H7, H8, H9, H10 से लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो इनकी RZ की वैल्यू जो वर्टिकल डिस्टेंस निकलेगी एक सैम्पलिंग लेंथ में, जैसे हमने 5 पॉइंट लिए हैं H1 से H5 तक हाईएस्ट वाले और H6 से H10 तक 5 पॉइंट लिए हैं लोएस्ट वाले, तो इन सबको ऐड करके हाईएस्ट में से लोएस्ट को सब्सट्रैक्ट करके उनकी जितनी क्वांटिटी है पॉइंट्स कितनी है, 5
तो उसको डिवाइड कर देंगे तो आर जेड की वैल्यू आ जाएगी। बहुत से लोग आर ए और आर जेड को एक ही मानते हैं, तो इनमें बहुत अंतर है, आपको अब पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आर ए जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस होती है हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच की एक सैम्पलिंग लेंथ में, ठीक है। बात करें आर क्यू की, आर क्यू जिसको आर एम एस भी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर रफनेस, जैसे ही इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो भी पॉइंट्स हैं उन सब का स्क्वायर करके और मीन निकाल लेंगे, उसका अगर रूट कर देंगे तो जो निकल के वैल्यू आएगी वो होगा आर एम एस, जिसको आर क्यू भी बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है टिपिकली, जो आर ए वैल्यू होती है उससे 11% ज़्यादा होती है। तो गाइज बात करें आर टी की, आर टी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैक्सिमम हाइट होती है, पीक मैक्सिमम पीक और मैक्सिमम वैल्यू डेप्थ होती है, उन दोनों का जो टोटल होता है वही होती है आर टी। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोफाइल होती है इवोल्यूशन लेंथ के साथ में एक मूल्यांकन की हुई लंबाई के साथ में, ठीक है। गाइज यहाँ वीडियो में आपको पता चल रहा है कि आर पी और आर वी क्या है। आर वी होता है मैक्सिमम पीक हाइट और आर वी होता है मैक्सिमम वैली डेप्थ। यहाँ आर जेड की बात करें, आर जेड आई ओ सी की मैं बात कर रहा हूँ, तो सैम्पलिंग लेंथ में मैक्सिमम पीक और जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वैली होता है वो होता है आर जेड। अगर इनका एवरेज निकाल देंगे तो आर जेड जो मैंने पहले बताया मैक्सिमम एवरेज हाइट ऑफ द प्रोफाइल हो जाती है आर जेड, ठीक है। तो इस तरह से आर ए आर जेड का अंतर भी आपको पता चल गया, आर पी आर वी आर एम एस आर टी आर क्यू ये सब आपको क्लियर हो गया। गाइज आज के लिए इतना ही है, वीडियो कैसा था कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और यार आप कमेंट करने में लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी दे रखी है, वहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स आपको मिलेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए जहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ठीक है, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।